और सबसे बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है, सभी विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई है। आपसे थोड़ी देर बाद शुरू होगी ये बैठक, विकास कार्यों और लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा होगी। आला अफसर भी बैठक में शामिल होंगे। सीएम योगी ने आज विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सभी विभागों के बड़े अफसरों को इस बैठक में बुलाया गया है। पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, ग्राम विकास विभाग समेत सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें कि सीएम योगी ने चुनाव प्रचार के दौरान हर जिले में कई रैलियां की थी और उनके पास पूरे प्रदेश का फीडबैक है। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे सिवा था, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे रुख करते हैं उनके पास। अलाउद्दीन, आज बैठक है और मुख्यमंत्री एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक होगी, क्या अपडेट है बैठक को लेकर के? देखिए, करीब दो महीने हो गए चुनाव आचार संहिता को। चुनाव आचार संहिता की वजह से एक तो अफसरान भी तमाम जो है इलेक्शन में बिजी, और खुद मुख्यमंत्री महोदय जो है तमाम चुनाव प्रचार में कई जगहों पर वो गए, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो विकास की गति है उसको दशा और दिशा देने के लिए, उसमें तेजी लाने के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग के मकसद से ही तमाम विभागों के मुखिया को, खासतौर से ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जो सचिव हैं, दूसरे जो अधिकारी हैं, उनको बुलाया गया है पांच कालिदास मार्ग पर, और इस बात को जानने की कोशिश की जा रही है कि जो तमाम विकास के काम हैं वो कितना रफ्तार अभी पकड़ पाए हैं और आने वाले दिनों में किस तरह से उसको ज्यादा बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि हर विभाग का अपना एक रोड मैप तय है, उस रोड मैप के हिसाब से तमाम विभागों को काम करना होता है, और उन तमाम समीक्षाओं के दौरान जो लक्ष्य को पाना होता है उसकी समीक्षा होनी है, क्योंकि हर साल इस बात को तय किया जाता है कि आखिर किस विभाग को किस लक्ष्य तक पहुंचना है और उस डेटा तक पहुंचने के लिए क्या क्या जरूरी कवायदे हैं, उन तमाम कवायदों की मॉनिटरिंग और उसको चेक और क्रॉस चेक करना बेहद जरूरी है। आज उसी का दिन है, क्योंकि पिछले करीब 60 से 65 दिनों से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में आचार संहिता लागू थी, लोकसभा इलेक्शन का बिगुल फूका हुआ था, उत्तर प्रदेश समेत तमाम देश के इलाकों में इलेक्शन चल रहा था, तो ऐसे में तमाम अधिकारी भी चुनाव ड्यूटीज में तमाम जगहों पर व्यस्त थे, सरकारी कर्मचारी व्यस्त थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं से आज का दिन ऐसे में इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आप इसको मान के चल सकते हैं कि जो पूरा रोड मैप तैयार है सरकार की तरफ से उस पर कितने कदम आगे पहले दो महीने पहले बढ़ा गया है, और आने वाले दिनों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा कि अगले 3 महीने यानी 90 दिनों में क्या खाका तैयार होगा, कितना उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में पांच कालिदास मार्ग पर आज जो है मीटिंगों का सिलसिला शुरू होगा और उसके जरिए से न सिर्फ अधिकारियों के पेज कैसे जाएंगे बल्कि जिन लोगों की तरफ से कोई कोर कसर की गई होगी वो भी चिन्हित होंगे और उनको ये बात कही जाएगी कि इन तमाम चीजों को जो है दई दशा दिशा और रफ्तार देने के लिए उनकी तरफ से कवायद की जाए, क्योंकि आप साफ तौर से देखें तो उत्तर प्रदेश में तमाम इलाकों में जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने 200 से ज्यादा रैलियां और तमाम लोगों से मुलाकातें की, तो पूरे उत्तर प्रदेश का लगभग उनके पास फीडबैक है, तो इस फीडबैक को लेकर के भी वो अधिकारियों से बात करेंगे, जहां पर कमियां हैं विकास योजनाओं को रफ्तार लगाने के लिए उनकी डांट और रफ्ताई भी आज होने वाली है। तो ऐसे में आज के बाद ये मान के चला जाए कि अगले 2 से 3 महीने का जो लक्ष्य मिलेगा उसकी मॉनिटरिंग कुछ दिन के बाद फिर होगी, लेकिन आज अधिकारियों के लिए खास तौर से पेश कसे जाने का खास दिन है। बिल्कुल बिल्कुल अलाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।